एक परिवार बिखर गया। कत्ल वाली रात, तारीख 14 मई 2008। यह रात हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। नोएडा, इंडिया में एक आम सी दिखने वाली दिन। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ भयानक होने वाला है। लेकिन एल बक्टीस जलवायु विहार की दीवारों के भीतर एक खौफनाक खोज का इंतजार था। इस घर की खामोशी में एक भयानक सच्चाई छिपी थी। आरुषि तलवार, एक होनहार 14 साल की बच्ची, अपने बेडरूम में मृत पाई गई। उसकी मुस्कान और सपने अब सिर्फ यादें बनकर रह गए थे। उसका गला कटा हुआ था, उसकी जिंदगी एकदम खत्म हो गई। यह दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। देश की सांसें थम गई। हर कोई इस खबर से स्तब्ध था, मानो समय रुक गया हो। एक बच्ची के साथ इतना घिनौना काम कौन कर सकता है? यह सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा था। तलवार परिवार, जो अपने समुदाय में सम्मानित डेंटिस्ट थे, पूरी तरह टूट गए। उनकी दुनिया एक पल में बिखर गई थी। डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार को हर माँ बाप का सबसे बुरा सपना सच होते हुए दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द था। जांच तुरंत शुरू हुई, जिसमें परिवार के नौकर हेमराज बंजड़े पर ध्यान केंद्रित किया गया। पुलिस हर सुराग को बारीकी से देख रही थी, लेकिन जैसे जैसे घंटे दिनों में बदलते गए, एक चौंकाने वाला मोड़ सामने आया। समय के साथ रहस्य और गहराता गया। हेमराज का शव तलवार निवास की छत पर था। रहस्य और गहरा गया। अब यह मामला और भी पेचीदा हो गया था। दोहरे कत्ल ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। सवाल उठने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या यह लूटपाट का मामला था जो गलत हो गया, या फिर कुछ और ही कहानी थी? प्यार का गुनाह, या कुछ और भयानक? हर कोण से जांच की जा रही थी। पुलिस मामले को सुलझाने के भारी दबाव में सुराग और परस्पर विरोधी बयानों के एक उलझे हुए जाल का सामना कर रही थी। हर सुराग एक नई दिशा में इशारा कर रहा था। भारत की सबसे हैरान करने वाली और विवादास्पद आपराधिक जांच के लिए स्टेज तैयार था। यह मामला न्याय और सच्चाई की एक लंबी लड़ाई की शुरुआत थी। किशोरी और नौकर, बंद कमरे में शिकार। यह एक ऐसा मामला था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आरुषि तलवार, जो जवानी की दहलीज पर थी, एक आम किशोरी थी। वह अपने परिवार की लाडली थी और अपने दोस्तों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। उसे संगीत, सोशल मीडिया और अपने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। वह एक खुश मिजाज और जिंदादिल लड़की थी, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसका जीवन, जो उम्मीदों और सपनों से भरा था, बेरहमी से खत्म कर दिया गया। उसके परिवार के लिए यह एक ऐसा सदमा था जिससे उबरना मुश्किल था। उसे अपने बिस्तर में पाया गया। दृश्य भयावह था। खून से सना हुआ बिस्तर और चारों ओर बिखरे हुए सामान ने एक भयानक कहानी बयां की। हत्या का हथियार, जिसके बारे में माना जा रहा था कि वह कोई धारदार चीज थी, गायब था। यह एक और रहस्य था जिसे सुलझाना बाकी था। तलवार के नेपाली घरेलू नौकर हेमराज बंजड़े शुरुआती जांच का केंद्र बन गए। वह गायब था। उसकी अनुपस्थिति ने मामले को और भी पेचीदा बना दिया। क्या उसने जुर्म करने के बाद वहां से भागने की कोशिश की थी, या वह भी किसी साजिश का शिकार हो गया था? छत पर उसके शरीर का मिलना जटिलता की एक और परत जोड़ता है। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने जांचकर्ताओं को और भी उलझा दिया। उसकी भी हत्या कर दी गई थी। उसका गला रेत दिया गया था। यह एक क्रूर और निर्मम हत्या थी जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। साजिश गहरी होती गई और पुलिस को कोई जवाब नहीं मिल रहा था। हर सुराग एक नए सवाल को जन्म दे रहा था। बंद कमरे के रहस्य ने देश को जकड़ लिया। हर कोई इस मामले के बारे में जानना चाहता था। बिना जबरदस्ती प्रवेश के संकेतों के साथ एक सुरक्षित अपार्टमेंट के अंदर दो लोगों की हत्या कैसे की जा सकती है? यह सवाल सभी के मन में था। कई बातें कही जाने लगी। अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। क्या यह अंदर के किसी का काम था?
क्या कई अपराधी थे या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? स्पष्ट मकसद की कमी ने अटकलों को और हवा दी। पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। सनसनीखेज कहानी को भांपते हुए मीडिया नोएडा उतर पड़ा। हर चैनल इस मामले की कवरेज में जुट गया। पत्रकार किसी भी जानकारी के लिए तलवार के घर के बाहर डेरा डाले हुए थे। हर छोटी से छोटी जानकारी को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया गया। यह मामला जो पहले से ही रहस्य में डूबा हुआ था, मीडिया के उन्माद का रूप लेने वाला था। हर कोई इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहा था। शुरुआती गलतियां, धीमी जांच। नोएडा पुलिस की इस मामले में शुरुआत से ही कई गलतियां सामने आईं। जांच की गति धीमी थी और पुलिस अधिकारी उलझन में दिख रहे थे। कागजी कार्रवाई का अंबार लग गया था। नोएडा पुलिस, जिस पर हर कोई नजर रखे हुए था, को कड़ी जांच का सामना करना पड़ा। मीडिया और जनता की कड़ी निगरानी में पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। हर कदम पर उनकी आलोचना हो रही थी। अपराध स्थल से निपटने के उनके शुरुआती तरीके की आलोचना हुई। पुलिस ने अपराध स्थल को ठीक से सुरक्षित नहीं किया, जिससे महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई या उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। कई महत्वपूर्ण सुरागों को अनदेखा कर दिया गया, जिससे जांच की दिशा भटक गई। अपराध स्थल को ठीक से सील नहीं किया गया था, जिससे इसके दूषित होने की आशंका पैदा हो गई थी। लोग बेरोकटोक अंदर बाहर हो रहे थे, जिससे सबूतों की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। उंगलियों के निशान ठीक से नहीं लिए गए। पुलिस की इस लापरवाही ने मामले को और उलझा दिया। हत्या का हथियार गायब था। पुलिस इसे ढूंढने में नाकाम रही, जिससे जांच में और भी बाधाएं आईं। ऐसा लग रहा था कि जांच आगे नहीं बढ़ रही है। पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था और वे मामले को सुलझाने में संघर्ष कर रहे थे। संदेह बढ़ता गया कि पुलिस मामले की हाई प्रोफाइल प्रकृति से अभिभूत होकर जांच में गड़बड़ी कर रही है। इस दबाव ने पुलिस की कार्यक्षमता पर गहरा असर डाला। न्याय दिलाने की उनकी क्षमता पर जनता का भरोसा डगमगाने लगा। लोग पुलिस की अक्षमता के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे और समुदाय में न्याय प्रणाली पर से विश्वास उठने लगा। भ्रम की स्थिति को और बढ़ाते हुए पुलिस ने अपनी कहानी बदल दी। उनके बयान लगातार बदलते रहे, जिससे मामले में और भी उलझन पैदा हो गई। शुरुआत में हेमराज मुख्य संदिग्ध था। पुलिस ने उसे ही अपराधी मानकर जांच शुरू की थी। फिर ध्यान तलवार दंपत्ति पर केंद्रित हो गया। पुलिस ने अचानक अपना रुख बदलते हुए उन्हें संदेह के घेरे में ले लिया। अपने बच्चे को खोने के अकल्पनीय दर्द से जूझ रहे माता पिता अब जांच के केंद्र में थे। उनके लिए यह दोहरी मार थी, एक तरफ अपने बच्चे का गम और दूसरी तरफ पुलिस की जांच। लीक और अटकलों से प्रेरित होकर मीडिया ने भ्रम की स्थिति को और बढ़ा दिया। हर छोटी बड़ी जानकारी मीडिया में लीक हो रही थी, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई। हर थ्योरी, हर अफवाह अखबारों और टेलीविजन स्क्रीन पर छा गई। मीडिया ने मामले को सनसनीखेज बना दिया, जिससे जनता में और भी भ्रम फैल गया। आरुषि तलवार मामला एक तमाशा बनता जा रहा था, जवाब के भूखे देश के लिए मनोरंजन का एक भयानक रूप। यह मामला अब सिर्फ एक जांच नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय सनसनी बन चुका था। माता पिता की मुसीबत दुख से संदिग्ध तक, एक अकल्पनीय स्थिति की कल्पना करें, अपने बच्चे को सबसे भयानक तरीके से खोना। अब कल्पना करें कि आप अपने ही बच्चे की हत्या के मुख्य संदिग्ध बन गए हैं। यह राजेश और नुपुर तलवार पर थोपा गया दर्दनाक अग्नि परीक्षा थी। उनका दुहक कच्चा और सार्वजनिक जल्द ही संदेह की चपेट में आ गया। पुलिस ने तलवार के बयानों में विसंगतियों और कथित संदिग्ध व्यवहार की ओर इशारा करते हुए उन्हें मुख्य संदिग्ध बताया। थ्योरी सम्मान के लिए हत्या। उनका आरोप था कि आरुषि का हेमराज के साथ अफेयर था और माता पिता ने गुस्से में दोनों की हत्या कर दी। मीडिया ने कहानी को लपक लिया।
सम्मान के लिए हत्या का पहलू अपने कामुक पहलुओं के साथ एक प्रमुख कहानी बन गई। जनता की नजरों में पहले से ही बदनाम तलवार दंपत्ति पर भारी दबाव था। उन्होंने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी, यह दावा करते हुए कि वे एक खराब जांच और सनसनीखेज मीडिया ट्रायल का शिकार हैं। मामला तब एक नया मोड़ ले गया जब केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने जांच अपने हाथ में ले ली। क्या देश की प्रमुख जांच एजेंसी अटकलों और आरोपों के जाल से सच्चाई को उजागर कर पाएगी? देश सांस रोककर इंतजार कर रहा था।